हाँ जी नमस्कार जी। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ मीडिया के माध्यम से। आप एक सच की आवाज सुनने आए हो मेरे द्वारा। मैं दिनेश मेहरा जी, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, अपने ज्वाइंट कमीशन ऑफ हिसार रेंज में कर रहता हूँ। और मेरे द्वारा 85 करोड़ का शराब घोटाला उजागर किया गया है। और 85 करोड़ शराब घोटाले के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो फर्म है जोरबा वाइन है फतेहबाद से, और शराब ठेकेदार तरुण मेहता, और डीटीसी बीके शास्त्री, डीटीसी एक्साइज फतेहबाद। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जो जोरो वाइन फार्म है, जो ठेकेदार है तरुण मेहता, 21 करोड़ के ठेके इसने लिए जी अपने 18-19 में फतेहाबाद। और जी इसने 38 करोड़ के ठेके लिए फतेहाबाद 19-20 में। और इसने इस हार में भी 19-20 में लिए 26 करोड़ के। तो ये टोटल है जी 85 करोड़। तो ये 85 करोड़ का शराब घोटाला है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, और मेरे द्वारा उजागर किया गया है। क्योंकि इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया, आपको ये मैं बता दूँ, किसी प्रकार का कोई दस्तावेज जो शराब ठेके लेने के दौरान एक शराब ठेकेदार को डिपार्टमेंट जमा कराने होते हैं। एक पहला डॉक्यूमेंट होता है जी MP 75, और दूसरा है जी सोलवेंसी सर्टिफिकेट, और तीसरा है जी साइट प्लान। MP 75 के बारे में मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। MP 75 में दो छोटियों की छोटी बोट होती है, और उनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा होता है। और सोलवेंसी सर्टिफिकेट में अपने शराब ठेकेदार की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा होता है। और अपने साइट प्लान जो नक्शा है वो वैंड और सब वैंड, ठेका और सब ठेके की उसमें मतलब साइट प्लान होते हैं जी। तो ये किसी प्रकार की ये तीनों डॉक्यूमेंट है डीटीसी बीके शास्त्री द्वारा नहीं लिए गए, और ना ही ठेकेदार ने जमा कराए। मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, ये डीटीसी बीके शास्त्री तरुण मेहता द्वारा 60 घर साज बाज और मिली भगत होकर और शराब के ठेकों में साइलेंट पार्टनर होने के नाते ये घोटाला किया गया जी 85 करोड़ का। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फर्म जब 18-19 में इसका बकाया था 34,06,800, और ये डिफॉल्टर ब्लैकलिस्टेड हो गई थी। तो आप ये देखो कि अगले साल इसको 38 करोड़ का बिजनेस दे दिया, डॉक्यूमेंट लिया नहीं, और 38 करोड़ का बिजनेस दे दिया। और इसी ठेकेदार ने तरुण मेहता ने जो यहाँ इस हार में भी 19-20 में 26 करोड़ का बिजनेस ले लिया। तो आप ये देखो, ये शराब घोटाला मेरे द्वारा उजागर किया है। इस संबंध में मैंने सबसे पहला जो पत्राचार किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्यमंत्री महोदय साहब को मैंने जारी किया था जी। मेरे द्वारा मतलब बाय पोस्ट बाय मेल भेजा गया था लेटर, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने लिखा था इस घोटाले के बारे में। और उसकी कॉपी मैंने डिप्टी सीएम साहब को, अपने वी साहब को, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को, और मैंने कई जितनी भी जांच एजेंसी है, जैसे CBI, ED, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, और मैंने हर जगह पत्राचार किया था। ये मेरे द्वारा मतलब 20/7/2021 को बाई मेल और 22/7/2021 को बाई पोस्ट। तो आप ये देखो, लगभग एक साल भी मतलब एक साल से लंबा समय बीत गया है, और अब तक इस किसी प्रकार की कोई मेरी सुनवाई नहीं, और मुझे निरंतर जान का खतरा भी बना हुआ है। और जान के खतरे के संबंध में मैंने पत्राचार भी काफी कर चुका हूँ, और मैंने आयोग को भी लिखा है, ST/ST आयोग को। और इस घोटाले के संबंध में मैं मेरे विभाग में कई बार मिल चुका हूँ, और मेरी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो घोटाला है मतलब ये इसमें विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल है, क्योंकि ये बार बार बताया जा रहा है बीके शास्त्री को। अब मीडिया के माध्यम से मैं विभाग के उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि बार बार उसको क्यों बताया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एक DTC जो बीके शास्त्री फतेहाबाद है, क्या एक DTC ET से बड़ा हो गया? क्या एक DTC अपने ACS से बड़ा हो गया? क्या एक DTC चीफ सेक्रेटरी से बड़ा हो गया? क्या एक DTC हरियाणा सरकार से बड़ा हो गया? क्यों बचाया जा रहा है बार बार उनको? मेरे द्वारा ये 85 करोड़ का शराब घोटाला उजागर किया, इसकी आप मतलब इस पर जांच करो, इसको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, अब तक एक साल बीत गया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस संबंध में हमारे विभाग के PTC महोदय अपने जो अभी तो ट्रांसफर हो गया, अभी कल परसों 2 दिन पहले, इससे पहले जो शेखर विद्यार्थी जी आई है, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था जी। वो कमेटी का गठन आप देखो, मेरे द्वारा कंप्लेंट की थी जुलाई 2021 में, उस कमेटी का गठन किया जी 10 जनवरी 2022 को, और 8 महीने बीत गए। अगस्त में मतलब मुझे जांच के लिए बुलाया गया, 8 अगस्त 2022 को बुलाया था जी। ठीक है जी, मैं जांच में शामिल हूँ, मैं अपने जांच से संबंधित जो भी शराब घोटाले संबंधित जो भी पुख्ता सबूत दस्तावेज में दे आया। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मेरे द्वारा ETC मोदी जो शेखर विद्यार्थी जब मैंने CM साहब को लिखा, क्योंकि विभाग के जो उच्च अधिकारी उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था, मैंने पत्राचार भी किया, लेकिन मेरी कहीं भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। तभी तो मैंने CM साहब को लिखा, सरकार की नॉलेज में डाला मैंने तो, क्योंकि मैं विभाग का कर्मचारी भी हूँ और मेरा नैतिक कर्तव्य भी है, और मैं बींग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के साथ साथ मेरा फर्ज बनता है, मैंने घोटाला पकड़ा और इसको उजागर किया मैंने, और ये मेरे मतलब ड्यूटी है। और विभाग के मुखिया ने जो हमारे ETC मौजूद थे शेखर जाति जी, उन्होंने मुझे शोकर नोटिस जारी किया, आप देखो 23/9/2021 को मुझे शोकर नोटिस जारी किया, और मुझे पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया अपने 7/12/2021 को। और जब मैं पर्सनल हियरिंग के लिए गया शोकर नोटिस के रिगार्डिंग, मेरी एक भी सुनी,
उल्टा मेरे को ईटीसी महोदय हमारे जो सेक्रेटरी विद्यार्थी जी आईएएस उन्होंने हरासमेंट किया, टॉर्चर किया और मुझे धमकी दी भी, तो ये कंप्लेंट वापसी और यहाँ तक भी धमकी दी भी, ये तेरे जो मेडिकल में मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको, मेरे मतलब 3 मेजर ऑपरेशन हो चुके हैं जी, 8 2 8 के मेजर ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें अटैक आया था मेरे स्कंदलावा जी और पेस में कंडलावा है। तो आप ये देखो मतलब ईटीसी महोदय ने मुझे यहाँ तक भी मतलब हरासमेंट टॉर्चर किया भी, ये तेरे ढोंग है नाटक है तेरे, कोई मेडिकल तेरी कोई दिक्कत नहीं, कोई तेरे स्टंट नहीं लेना, कोई पेस में कोई करनी, कोई पेस में करनी, और मैं तेरा मेडिकल कराऊंगा, मेडिकल अनफिट करके तेरे को टर्मिनेट करूंगा, तेरे को मतलब ट्रांसफर करूंगा, तेरे को मतलब टर्मिनेट करूंगा, तेरी ट्रांसफर करूंगा, तेरे को हेडक्वार्टर शिफ्ट करूंगा, मतलब इस टाइप की धमकी दी। आप ये देखो मैं उनके भी भागा कर्मचारी और मेरे द्वारा ये घोटाला उजागर किया गया, आप इसकी जांच करो निष्पक्ष, आपने मतलब मुझे धमका रहे हो। मैंने उनको कहा सर आप मेरी सुनवाई करो, उन्होंने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करी और उन्होंने मतलब ये जांच को दबाने के लिए काफी मुझे हरासमेंट टॉर्चर किया जी। और मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखो मेरे पास ये लेटर आया है जी, अपने मामला जो है ये शराब घोटाला का ऑलरेडी जो विभाग सरकार के संज्ञान में है, आप ये लेटर देखो, ये एसीएस साहब का लेटर है जी और ये जुलाई किसका लेटर है, आप ये देखो एसीएस साहब ने किसी साहब को लिखा और इसमें स्पष्ट लिखा कि मामले की जांच करके इसकी शीघ्र रिपोर्ट सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करे। आप ये देखो ये लेटर लेटर है जी, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कार्रवाई के नाम पे 0 रिजल्ट है। और इसके बाद आप ये देखो एक लेटर और दिखा रहा हूँ आपको, ये अपने डायरेक्टर जनरल स्टेट डिवीजन ब्यूरो का है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है जी, ये देख लो आप, 1 अगस्त का लेटर है ये, अगस्त 2021 का, इस पे भी कार्रवाई के लिए लिख रखा है, कॉपी मुझे आई हुई है। तो आप ये देखो ये लेटर लेटर है, कार्रवाई के नाम पे रिजल्ट 0 है। और इसके अलावा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो जी, ये 23/9/2021 को ईटीसी मोदी सेक्रेटरी जी थे हमारे उस टाइम, उन्होंने मुझे शोका नोटिस जारी किया। आप ये देखो मैंने उन्हीं का विभाग का कर्मचारी और मेरे द्वारा कोई घोटाला उजागर किया गया है और मुझे मतलब हरासमेंट टॉर्चर की जाती है, ये देखो ये उन्होंने शोका नोटिस जारी किया था। और इसके बाद उन्होंने मतलब मेरे को पर्सनली रिंग पे बुलाया जी, ये लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पर्सनली रिंग पे बुलाया था जी मेरे को 7/12/2019 को, ये लेटर देख लो जी आप मीडिया के माध्यम से, आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये दया जी, ठीक है जी। और इसके बाद एक और देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ये हमारे मुख्य सचिव महोदय हरियाणा सरकार, ये उनका लेटर आया जी एसीएस को, ये आप इसमें दे सकते हो, इसमें ये जो लेटर आया मैं मीडिया में माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, ये लेटर 5 जनवरी 2022 का है, इसमें माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने स्पष्ट एसीएस साहब को लिखा कि मामले की रिपोर्ट इस विभाग को 2 माह में भिजवाए। आप ये देखो जनवरी 2022 का लेटर है ये और आज अगस्त चल रहा है, आप ये देखो कार्रवाई के नाम पे रिजल्ट 0 है। अब मैं अगली चीज बताना चाहता हूँ, इस शराब घोटाले के संबंध में ईटीसी मोदी द्वारा 10 जनवरी 2022 को एक कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी में एक हमारे एडिशनल कमिश्नर है मैडम मधुबाला जी चेयरमैन, 2 मेंबर है जी, एक ज्वाइंट कमिश्नर है कृष्ण कुमार जी, एक डीटीसी मैडम है सुनीला कुमार जी। तो आप ये देखो सुनीला कुमार जी, तो ये सुनीला मैडम है जी डीटीसी, तो आप ये देखो ये मतलब कमेटी गठित कब करी, आप देखो मेरे द्वारा शराब घोटाला उजागर किया जी 20 जुलाई 2021 को किया था और ये कमेटी गठित हुई है 10 जनवरी 2022 को। इस कमेटी ने ये देखो जी बुलाया कब मेरे को, इस कमेटी ने मेरे को बुलाया जी अगस्त अगस्त 8 अगस्त 2022 को, आप ये देख सकते हो मीडिया की मदद में आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ये देखो अब तक मतलब मेरे को तो बुला लिया, अब मैं अगली चीज और बताना चाहता हूँ आपको, अगस्त में मेरे को बुलाया जी अभी 8 अगस्त को, तो मुझे पता लगा 9 अगस्त को वीके शास्त्री DT6 फतेहाबाद वह तरुण मेहता शराब ठेकेदार उनको बुलाया गया था, तो वो मतलब आए नहीं, जांच में शामिल नहीं हुए। और 10 तारीख को उनके द्वारा कोई पत्राचार किया गया है प्रोटेस्ट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जो कमेटी गठित की उसका विरोध, आप ये देखो वो जांच में शामिल नहीं हो रहे, इससे आप पता लगता है ये इसमें विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल है। तो मीडिया माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, मेरे द्वारा इस शराब घोटाले के संबंध में सीएम इंडो भी लगा चुका हूँ मैं, पीएम इंडो भी लगा चुका हूँ, राइट टू प्राइम मिनिस्टर में कर चुका हूँ। आप ये देखो सीएम इंडो मैंने लगाई, जो सीएम इंडो मार्क हुई है वो मतलब हमारे विभाग के उच्च अधिकारी से उनकी संलिप्तता नजर आएगी आपको, वो भी इसको बचाना चाहते हैं और वो मिले हुए हैं। ये देखो आप ये इसमें 18/8 की है ये अंडर प्रोसेस, जो नीचे सीएम इंडो न्यू लगाई है मेरे द्वारा लेटेस्ट अभी जुलाई में लगाई थी मैंने 22 जुलाई 2022 को। तो आप ये देखो इसमें आप ये देखो 18/8 को लिखा है अंडर प्रोसेस, तो आप ये देखो जिसके भी जिस अधिकारी के खिलाफ ये शराब घोटाला मैंने उजागर किया उसी को ही जांच दे रहे हैं आप, तो जिस पर जांच का अमल में लाई जाएगी आप बताओ, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से हमारे विभाग के उच्च अधिकारी और हरियाणा सरकार से मैं पूछता हूँ, तो ये जांच कैसे अमल में लाई जाएगी, ये बिल्कुल मतलब संलिप्तता है और जो जो अधिकारी इसमें शामिल है उसकी तुरंत प्रभाव से इस पर जांच की जाए और मेरे द्वारा जो स्टार्टिंग जो कंप्लेंट की गई थी
जुलाई 2021 में, तो मैं मीडिया माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मेरे द्वारा स्पष्ट लिखा गया था इसकी जांच सीबीआई या ईडी से कराई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चैन सिस्टम है, क्योंकि इसमें विभाग के उच्च अधिकारी शामिल है। बार बार वीके शास्त्री को बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? और आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, जो डीटीसी वीके शास्त्री है फतेहबाद, वो इस टाइम ऑलरेडी एंट्री सेफ्टी बेल पे है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से। आप देखो उसके खिलाफ कोई गबन का मामला दर्ज हुआ था सोनीपत में जी, और FIR हरियाणा सरकार द्वारा दर्ज की गई थी। और आप ये देखो, मतलब गबन का मामला दर्ज हुआ था, जो अधिकारी ऑलरेडी एंट्री सेफ्टी बेल पे है, और उसके द्वारा मतलब टैंपरिंग ऑफ रिपोर्ट वहां किया गया था जो FLO जी। तो आप यहाँ देखो, यहाँ ये पोस्टेड है, तो जो मेरे द्वारा शराब घोटाला उजागर किया गया, तो यहाँ क्यों नहीं टैंपरिंग करेगा? बिल्कुल करेगा जी, बिल्कुल 100% करेगा जी। और उसको आप मतलब खुली छोड़ दे रहे हो। बाकी उच्च अधिकारियों से मतलब हरियाणा सरकार से मेरी मांग है भाई, इसकी तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष जांच अमल में लाई जाए, और मेरे द्वारा जो घोटाला उजागर किया है इसकी मेरी सुनवाई की जाए, और मुझे जान का खतरा निरंतर बना हुआ है, और मुझे आशंका है कभी मुझे मतलब वो जान से मरवा सकते हैं। और मैं आपको मीडिया माध्यम से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, यदि मेरे खिलाफ यदि मेरे पर कोई जानलेवा हमला या कोई अनहोनी घटना दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु या हार्ट से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं मीडिया माध्यम से बिल्कुल क्लियर कट अपने पूरे होश हवास और स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, इसका जिम्मेवार DTC वीके शास्त्री फतेहबाद एक्साइज में है जो, और तरुण मेहता शराब ठेकेदार, वह हरियाणा सरकार, वह पुलिस प्रशासन हरियाणा होगा। यही मेरी मांग है मीडिया माध्यम से। धन्यवाद। इस मामले में हमारे सामने कोई और अपडेट आएगी तो वो भी हम आपको तक पहुंचाएंगे। देसी हरियाणा न्यूज में रिपोर्टर विजेंद्र मान के साथ, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।